जीवे जीवे पाकिस्तान, भारतीय जारियत के खिलाफ लाहौरिये मुत्तहिद, दिफाए वतन के लिए बच्चा बच्चा सीना सफर, रैलियां मुजाहिरे, लाहौरिये शहादत का जज्बा लिए सड़कों पर निकल आए। इस्तांबुल चौक में इस्लामी जमीयत तलबा, टोलिंटन मार्केट में ताजरों की रैली, पाक फौज से इजहार यकजहती। बिल्कुल इसी पर बात करेंगे, हमारे नुमाइंदगान सलमान तारिक और राना फहद हमारे साथ ही मौजूद होंगे। सबसे पहले बात करेंगे सलमान तारिक से जो इस वक्त मौजूद हैं इस्तांबुल चौक पर। सलमान बताइएगा कैसा जोश व जज्बा देखा जा रहा है शहरियों में? जी सर, तो मौजूद है मस्जिद चौदह चौक पर, जहां पर इस्तांबुल चौक से लेकर मस्जिद चौदह तक की रैली निकाली गई, अजीमो शान रैली निकाली गई क्रश इंडिया के नाम से, इस्लामी जमीयत तलबा की जानिब से। लेकिन रैली निकली है तो साथ ही साथ यहां पर हमने देखा जो जज्बा हिब्बुल वतन के सरशार जो शहरी है वो भी चौक दर चौक इस रैली में शामिल हुए, जबकि जो ताजिर रहनुमा है माल रोड के, माल रोड से जिनका ताल्लुक है वो भी चौक दर चौक इस रैली में शामिल हुए। और साथ ही साथ भरपूर नारेबाजी भी की गई, पाक फौज की धारे जहती और इंडिया के खिलाफ भरपूर नारेबाजी भी की गई। हमारे साथ इस वक्त मौजूद जो ताजिर बरादरी के जो रहनुमा है बाबर मकतूब, उनके हवाले से जानते हैं। बाबर साहब, क्या कहेंगे, क्या पैगाम देंगे आज के रोज इंडिया को? सबसे पहले तो मैं अप्रिशिएट करूंगा जमात जमीयत इस्लामी के स्टूडेंटों को, जिन्होंने सबसे पहले मार रोड पर रैली निकाली, और साथ साथ कौम को मुबारकबाद देना चाहता हूं। हमारी फौज जाग रही है और दुश्मन के दो प्यारे गिरा चुकी है। इस जंग को शुरू तो इन्होंने किया है, खत्म इंशाल्लाह पाकिस्तानी फौज करेगी। ये मोदी, नरेंद्र मोदी एक वोटों के लिए उसने अपनी 1 अरब 30 करोड़ आवाम को बमबारी के भी नीचे करा दिया है। इंशाल्लाह ताला ये वादा रहा, पाकिस्तानी कौम 65 का भी रिकॉर्ड तोड़ेगी, अपने बुजुर्गों के शाना पशाना चलते हुए टैंकों के नीचे भी लेटेगी और दुश्मनों के साथ को पार करते हुए अंदर भी घुसेगी और दिल्ली में नाश्ता भी करेगी इंशाल्लाह। जी, दिल्ली में नाश्ता भी करेगी, ये आपने जज्बा सुना बाबर मुख्तार, मजीद मुस्तलबा से भी बात करते, क्या कहोगे, क्या पैगाम देने दोगे आज अपने इंडिया को? मेरा भारत के नाम ये पैगाम है कि वो गाय का पेशाब पीने वाले गाय का दूध पीने और गोश्त खाने वालों के बराबर नहीं हो सकते, इसलिए वो अपनी लड़ाई से बाज रहे, उनमें इस कदर हिम्मत नहीं कि हमसे मुकाबला। अकीना, पाकिस्तान एयरफोर्स ने जवाब भी दिया है, भारतीय जहाज भी गिरा दिए, क्या कहेंगे? इंशाल्लाह हम उनके वो अपनी फौज के साथ है, जहां हमें बुलाएंगे हम इंशाल्लाह उसे आगे अपना इंशाल्लाह आगे आगे होंगे और अपनी जानों की कुर्बानी पेश करेंगे, इंशाल्लाह इंडिया का मुकाबला करेंगे। जी आप कुछ कहोगे, इंडिया को क्या पैगाम दोगे? हम तो यही देंगे कि अगर वो कोई हमला वगैरह करेंगे तो उसे मुंह तोड़ जवाब देंगे, और अभी तो दिल्ली भी लेना हमने, अभी वो मुंह तोड़ जवाब दिया, जहाज जूज गिराए हैं इंशाल्लाह, अभी और भी देंगे, अभी और भी गिरेंगे। ये आपने तलबा के भी जज्बात सुने हैं और खूब यहाँ पर हमें नजर आ रहा है कि जी तमाम के तमाम लोग इस रैली में जो मौजूद है, जो बहुत ज्यादा हिब्बुल वतन से सरशार यहाँ पर जज्बा नजर आ रहा है। लाहौर का जोश व जज्बा सुन सकते हैं और देख भी सकते हैं कि किस जोश के साथ वो पाकिस्तान से मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं।